अस्सलाम वालेकुम वीर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं पाक पंजाब टेलर को। तो आज हम आपको दिखाएंगे, एक शाल है, बड़ा दुपट्टा है, तो उसके पलुओं पे हमने वो लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं, हमारी पूरी वीडियो देखनी है। तो ये सामने देख सकते हैं, ये हमारे पास ये शाल है, ये बड़ा दुपट्टा है। तो इस पर हमने लगाई थी लंबाई रुख में, अभी पलुओं पर लगाते हैं, आपको तरीका बता देते हैं कि ये कैसे लगाई जाती है। देखो, ये सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको जो है ना, दुपट्टे को बिल्कुल सीधा रख के ऐसे इस्त्री मार के इसको आपने बराबर काट लेना है। आप ऐसे भी काट सकते हैं, उसकेयर रख के इधर, तो सीधा निशान आप लगा के, लाइन लगा के इसकी कटिंग कर लें, आपके लिए आसानी होगा। देखो, ये सीधी लाइन पे हमने कटिंग करनी है इसको। देखो, ये हमने इसको सीधा कर लिया कटिंग करके, देखो सीधा हो गया। अभी इसके पलुओं पे लगाएंगे, ये बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर को पहले आपने इस्त्री मार लेनी है, ये भी ये देख सकते हैं, इसको पानी लगा देना है ताकि ये सही कपड़ा बैठ जाए। ये फालतू कपड़े को काट देंगे। ये देखो, फालतू कपड़े को हमने काट दिया। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे, देखो ये बॉर्डर जो लगाना है हमने, ये देखो ये शाल की दुपट्टे की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो हमने उल्टी साइड पे इसको ऐसे रख के, देखो ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो हमने इसको पलुओं पे ऐसे रखना है, थोड़ा सा बढ़ा के। देखो, ये फोल्डिंग के लिए ये पहले चेक कर लेना है कि हमारा ये जो बॉर्डर है वो पूरा है। तो ये देख सकते हैं, बॉर्डर हमारा पूरा है, थोड़ा ज़्यादा भी है। तो अभी हम इसको ऐसे लगाएंगे, अभी तरीका बताते हैं सिलाई करके आपको। ये अभी हम इसको देखो सिलाई लगाते हैं, ये अभी देख सकते हैं, ये देखो बढ़ा के रखना है, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के रखना है उल्टी साइड पे। देखो ये उल्टी साइड है, ये दुपट्टे की सीधी साइड है, तो हम उल्टी साइड पे रख के लगाएंगे और ये सीधा साइड नीचे करेंगे, ऐसे करके लगाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। कपड़े को बराबर रखने हैं आपने, आप भी काट लेंगे। इतना दबाव हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा और काट लेते हैं इधर, बिल्कुल इतना दबाव कर देना दोनों तरफ। अभी इस तरफ भी, अभी आपको ऐसे ऐसे सीधी साइड पे, देखो ये उल्टी साइड पे हम लगाया था ना, अभी इसको ऐसे पलटा देना है। पर इसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करने के बाद आपने फिर इसको ऐसा कर देना है, ठीक हो गया। अभी आपने सिलाई लगानी है इसको, ऐसे इस कर के सिलाई लगा के, अभी इसको ऐसे करना है आपने, इसको बिल्कुल बराबर रखना है इसकी, फिर इसको ऐसे घुमा लेना है।
देखो इस तरह आपने बिल्कुल नीचे से बराबर रखना है ताकि सलवट वगैरह ना आए। कपड़े को हाथ मार के ऐसे आपने बिठा के तरीके से बिल्कुल बराबर करके रखना है, देखो ऊपर नीचे कपड़े को, ताकि इस तरह ही देखो सफाई से आ जाए। ऐसे साइड का के ऐसे बराबर करके आपने फालतू धागे वगैरह काट लेने आपने। इधर भी आपने एक साई लगा देनी है। ये हमारी साई लग चुकी है, ये देख सकते हैं अभी, ये देख सकते हैं अभी हमने जो पलुओं पे ये बॉर्डर लगाया, ये आपको समझ आ गई होगी हमने किस तरह लगाया, तरीका हमने समझाया आपको। ये देखो कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना होता है ताकि ये सफाई से आ जाए। सारी सही, अभी आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरह इसकी जो है ना वो बॉर्डर लगाया पलुओं पे, हमने तरीका आपको बता दिया, तो इंशाल्लाह यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लगाते हैं। जब भी आपने इस तरह कोई बॉर्डर लगाना हो तो इसी तरह लगाया करें, बहुत ही आसान तरीका हमने आपको समझा दिया। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।